कुछ भी रहमान सर को, रहमान सर 22 जनवरी को रामलला के पास जाएंगे ही जाएंगे। अरे दुनिया से हमारा काल ने बना भैया, अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और उनके हमारे बॉस है बजरंग बली, बजरंग बली के बॉस है वो, और हमको निमंत्रण मिल गया, कहीं नहीं जाएंगे। अयोध्या से पुरुषोत्तम श्री राम का ही नाता रहा है, किसी मुस्लिम पैगंबर या मुस्लिम सूफी संतों का नहीं रहा है, तो वैसी परिस्थिति में अगर अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री राम लला की मंदिर के अलावा अगर दूसरा कोई चीज बनता तो निश्चित रूप से गलत होता। खुश नसीब है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, खुश नसीब है हमारे माननीय योगी जी कि उनके शासन काल में पुरुषोत्तम श्री राम लल्ला 500 साल के वनवास के बाद आ रहे हैं। हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री जो है कि इस चीज का एकदम विरोध कर रहे हैं, मंदिर पे जो है कि उनका बहुत बड़ा टिप्पणी आया है, अखबार में भी निकला है, उनके ऊपर क्या बोलेंगे? लेकिन बोलने के बाद मुझे लगता है कि 25-30 बार माफी मांगते होंगे पुरुषोत्तम श्री राम, बोलने के बाद माफी भी मांगते होंगे, भगवान के आगे जाके माथा टेकते होंगे। पुरुषोत्तम श्री राम के 500 साल बाद वनवास के आगमन पर हिंदू मुस्लिम सब मिलकर दीप जलाइए, मजा आ जाएगा, लगेगा कि भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा था, विश्व गुरु की ओर बढ़ा। अभी हमारे साथ बहुत बड़े गुरु गुरु रहमान सर है, आप लोगों को बता दें कि 22 जनवरी का इंतजार पूरा देश कर रहा है और राममय पूरा देश हो गया है। इसी में जो है कि गुरु रहमान को इनविटेशन कार्ड आया है, राम जी के हाथ से न्योता आया है कि गुरु रहमान को भी 22 जनवरी को अयोध्या चलना है और रहमान सर को भी जाना है, और नाम से तो आप समझ ही गए होंगे और सर खुद हमारे साथ साक्षात कर रहे हैं तो सर को समझ ही गए होंगे कि ये एक मुस्लिम है लेकिन हनुमान भक्त बहुत बड़े है ये सर, और गुरु रहमान सर जो कि विश्व विख्यात सर है और सर को जो है कि वहां से न्योता आ गया, सर 22 जनवरी को जाने वाले भी है, और सबसे बड़ी बात कि सर कार सेवक भी रहे हैं, राम जी के लिए सर आवाज भी उठाए हैं, और आज जो है कि प्राण प्रतिष्ठा राम जी का होने वाला है, बहुत जल्द सर से बात करने का प्रयास करेंगे। सर आपका जन्मदिन है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो सर। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपको भी बहुत। अच्छा ये बताइए सर कि जो है कि आपको हमने देखा सोशल मीडिया पे, सुना कि जो है कि 22 जनवरी को आपको भी जो है कि राम जन्मभूमि जाना है, प्राण प्रतिष्ठा में राम जी के शामिल होना है, क्या बोलना चाहेंगे गुरु रहमान? तो मेरे लिए गर्व का विषय है, किसी भी व्यक्ति के लिए गर्व का विषय होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन पर स्वयं श्री कामेश्वर चौपाल सर यहाँ पर आए और मुझको इन्विटेशन दिया आमंत्रण पत्र, जबकि मैंने सपना में भी नहीं सोचा था, लोग सपना में सोचते हैं, मैं सपना में भी नहीं सोचा था कि मुझे आमंत्रण मिलेगा, लेकिन आमंत्रण मिला, निश्चित रूप से बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। मतलब गुरु रहमान सर को जो है कि इसकी जो है कि तनिक भी जो है कि तनिक भी आपको आशा नहीं थी कि हमको जो है कि वहां से कार्ड आ जाएगा, हमको जो है कि बुलावा आएगा और स्वयं बुलावा दिया जाएगा गुरु रहमान सर को, कितना खुश है गुरु रहमान? स्वाभाविक है कि जो जिस जो चीज आदमी चाहिए ना, अंधा को आंख मिल जाए उससे ज्यादा खुश क्या हो सकता है, उससे ज्यादा मैं खुश, उससे ज्यादा आप खुश हैं। अच्छा क्या बोलेंगे उन लोगों को जो लोग बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं और बोलते हैं कि अरे राम मंदिर बन रहा है वहां पे मुसलमानों की क्या जरूरत है, और बहुत सारे मुसलमान जो है कि विरोध करते हैं इस चीज का कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां पे जो है कि बाबरी मस्जिद था वही बढ़िया था, राम मंदिर अब नहीं बनना चाहिए, उन लोगों को क्या बोलेंगे? नहीं देखिए, अब तो हमको नहीं लगता कि मुसलमान ऐसा बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, क्योंकि अयोध्या से पुरुषोत्तम श्री राम का ही नाता रहा है, किसी मुस्लिम पैगंबर या मुस्लिम सूफी संतों का नहीं रहा है, तो वैसी परिस्थिति में अगर अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री राम लला की मंदिर के अलावा अगर दूसरा कोई चीज बनता तो निश्चित रूप से गलत होता, ये अक्षम्य होता, और ऐसी परिस्थिति में जब पुरुषोत्तम श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो निस्संदेह अपने आप में एक अद्भुत 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 सत्य की विजय की गाथा है, इसके लिए पुरुषोत्तम श्री राम जाने जाते हैं, क्योंकि जिसका जो था उसको वह मिल गया है। अच्छा रहमान सर 22 जनवरी को किस प्रकार से तैयारी करके अपना काफिला लेके जा रहे हैं, 22 जनवरी को कब निकलेंगे, जो है कि 22 जनवरी को सुबह में निकलेंगे कि एक दिन पहले ही निकल जाएंगे, कब गुरु रहमान सर? देखिए ये तो ट्रस्ट की ओर से कैसे ले जाया जा रहा है उससे हम लोग डिपेंड करता है, लेकिन सामान बहुत कम, केवल सामान बहुत कम कहा गया है, क्योंकि सारी व्यवस्था जो है आपको रहने जाने आने खाने पीने और जाने का वो सब ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है, तो निश्चित रूप से 21 तारीख को ही अगर निकलना हो तो 21 तारीख को ही हम लोग निकले। अच्छा सर ये बताइए कि आपका सबसे बड़ा बयान आता है कि जितने भी मुस्लिम है वो कन्वर्टेड है, ये जो है कि आप ताल ठोक के सीने ठोक के गुरु रहमान सर बोलते हैं कि जितने मुस्लिम है वो चाहे आप ही क्यों ना हो सारे लोग जो है कि पहले सनातनी है कन्वर्टेड है, इतना बड़ा बात कैसे बोल देते हैं? आप पहले से 13 फतवा जारी है और सब जारी कर देगा, आप फंस जाएंगे तो क्या होगा सर? देखिए फंसने उसे हमको डर नहीं लगता है, आपको हम बताते हैं कि केवल मुसलमान ही नहीं, भारत में रहने वाला पंजाबी, भारत में रहने वाला ईसाई, भारत में रहने वाला पारसी,
ये सब कन्वर्टेड है, ये सब कन्वर्टेड है, सब के सब हिंदू थे, इसलिए इनकी कन्वर्जन पर मेरे पास प्रमाण है। पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान में जो बसे हुए वो भी कन्वर्टेड है, जाहिर सी बात है, भारत के भारत का अंग रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश 100% कन्वर्टेड है, सारे लोग कन्वर्ट, बिल्कुल कोई अरब से नहीं आया, जो अरब से आए थे वो बेचारे चले गए, ये हो गए, वो सूफिज्म थे जो आए थे, लेकिन वो तो अब है नहीं, लेकिन अभी जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी सिख हैं, जितने भी ईसाई हैं, वो सारे के सारे कन्वर्टेड है, पहले हिंदू। ये तो गुरु रहमान के सर के, गुरु रहमान सर की ओर से तो है जो की बहुत बड़ा बात बोला जा रहा है, इस बात पे जो है की 14वां फतवा आप पे जारी कर दिया जाएगा, 14 या 14,000 या कैट माने बिलियन बोले गए, सत्य है उसके लिए बोलेंगे, ये सत्य है, और मैं इतिहास का छात्र हूँ, इस छात्र होने के नाते मैं जानता हूँ कि यह सत्य यही है कि सब के सब पहले हिंदू थे भारत में, अब बाकी सब के सब कन्वर्ट। अच्छा गुरु रहमान सर पूरे देशवासियों को क्या बोलेंगे, जो लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि हाँ राम मंदिर बन रहा बहुत अच्छा हो रहा है, और जो लोग इस चीज का विरोध भी अगर कर रहे होंगे, अपने तनिक भी मन में विरोध कर रहे होंगे या खुले मन से विरोध कर रहे होंगे, उनके लिए गुरु रहमान सर क्या बोलेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि मोहब्बत 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 से बड़ा कोई चीज नहीं, वसुधैव कुटुंबकम हमारी नारा है, भारतीय हमारी संस्कृति है, गाय धरती प्रकृति नदी की रक्षा करना हम लोग का कर्तव्य बनता है, और हम लोग वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैकवर्ड फॉरवर्ड एससी एसटी करने का वक्त नहीं है, इंसान इंसान करने का वक्त है, और वह इंसान इंसान ही क्या, या किसी धर्म की बात क्या करेगा जब वो इंसान ही नहीं रहेगा, तो सबसे पहले इंसान बनिए, और पुरुषोत्तम श्री राम के 500 साल बाद वनवास के आगमन पर हिंदू मुस्लिम सब मिलकर दीप जलाइए, मजा आ जाएगा, लगेगा कि भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा था, विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, मतलब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर जो है कि राम जी का जो है जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगा 22 जनवरी को सब लोग मिलकर दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, यही तो हमारी हिंदुस्तान की खूबसूरती है, गंगा जमुना तहजीब यही कहती है, सब मिले, दुर्गा पूजा में मुस्लिम शामिल होते हैं, मुहर्रम में हिंदू शामिल होते हैं, तो फिर पुरुषोत्तम श्री राम जो हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य देव हैं, उनके आगमन पर अगर मुसलमान सामने खड़ा भी दिया जला देते हैं तो कौन कोई बड़ा एहसान थोड़े करेंगे, ये तो हम हमारी संस्कृति का परिचय है, वो परिचय देंगे। अच्छा हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री जो है कि इस चीज का एकदम विरोध कर रहे हैं, मंदिर पे जो है कि उनका बहुत बड़ा टिप्पणी आया है, अखबार में भी निकला है, उनके ऊपर क्या बोलेंगे? देखिए शिक्षा मंत्री के ऊपर मेरा कोई कमेंट इसलिए नहीं रहेगा कि वो शिक्षा मंत्री या शिक्षा संबंधित बात सोचे, कौन क्या बोलता है, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, मैं जानता हूँ, हमारे ही शहर के कॉलेज में वो पदस्थापित है, तो वैसे जानता हूँ, लेकिन वो राजनीतिक चीज के लिए लोग अलग बोले, लेकिन बोलने के बाद मुझे लगता है कि 25-30 बार माफी मांगते होंगे, पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर बोलने के बाद माफी भी मांगते होंगे, भगवान के आगे जाके माथा टेकते होंगे कि भैया भगवान गलती से बोल दिए, वो राजनीतिक मुद्दा था थोड़ा, वो हमको बढ़ाना था इसलिए बोल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।